नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा, सीएम योगी ही कराएंगे मथुरा व काशी का पुनरुद्धार। उनकी इच्छा है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर और काशी में भगवान शिव के मंदिर का नवोत्थान शुरू हो, तभी वह वासुदेव नंद सरस्वती करे अपने शरीर का परित्याग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार। 300 से अधिक फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आठवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह में गोरक्षपीठ अधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समस्याओं से पलायन न करने का ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ ने आदर्श किया स्थापित। समस्याओं से पलायन करने वाले खो देते हैं जन विश्वास। सनातन धर्म की महत्वपूर्ण कड़ी है गोरक्षपीठ की परम्परा। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में नकल कराने वाले संगठित सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गीडा थाने के पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। एक कूटरचित आधार कार्ड, फर्जी कूटरचित प्रवेश पत्र, 2 मोटरसाइकिल सहित अन्य सामग्री किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर के पहले हेल्थ एजीएम सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। कहा, 3 माह में प्रदेश के 4600 स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी हेल्थ एजीएम की सुविधा। 3 से 5 मिनट में ही हो जाएगी 59 जांचें। खोराबाड़ थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त अशफाक अहमद, तनवीर खान, शमशेर आलम उर्फ गोपी व विवेक मद्देशिया की 5 मोटरसाइकिल, 1 चारपहिया वाहन को किया कुर्क। थाने में दाखिल कर की जा रही है आगे की कार्यवाही। महिलाओं की सेहत के लिए ला रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, विपक्ष करे सहयोग। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर कानून को ना ले, अपने हाथों में तुरंत दे पुलिस को सूचना। कानून हाथ में लेने वाले नागरिकों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। और जनपद में लगातार हो रही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली निजात। जिला आपदा विशेषज्ञ ने बताया, जनपद में 34 मिलीमीटर हुई है बारिश। अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में रहेगा बदलाव। अब खबरें विस्तार से। राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आठवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह में प्रयागराज से पधारे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि गोरक्षपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, उन्हें पूरा विश्वास है कि मथुरा और काशी का पुनरुद्धार भी उन्हीं के नेतृत्व में होगा। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर और काशी में भगवान शिव के मंदिर का नवोत्थान शुरू हो, तभी वह वासुदेवानंद सरस्वती अपने शरीर का परित्याग करें। इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से जुड़े अपने संस्मरण सुनाते हुए शंकराचार्य ने कहा कि महंत जी की सरलता, सहृदयता व सर्व जनप्रियता का बखान कर पाना मुश्किल है। कहा कि वर्ष 1991 में वह गोरखनाथ मंदिर आए थे। एक स्थान पर पूजा करते देख महंत अवैधनाथ ने उनसे विशिष्ट स्थान पर पूजा करने का अनुरोध किया। वासुदेवानंद जी द्वारा ठिठोली करते हुए यह कहने पर कि तब तो यहाँ की गद्दी भी मेरी हो जाएगी, महंत जी ने सहज कह दिया, महाराज यह तो आपका ही है। मेरे मन में कुछ बात आ रही, मैं कह दूं। इसके साथ साथ हमारे वेदांती जी ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ आपके ही कार्यकाल में मुक्त होगा। मैं भी उसकी अपेक्षा करता हूं और आपको यह भी करना होगा कि अयोध्या का विकास बहुत जल्दी किया जाए,
जो जो आपके मन में है उसे पूरा कर दें, क्योंकि प्रतिष्ठा जनवरी 24 में संभव है कि हो जाए ठाकुर जी की। उससे पहले अयोध्या का मार्ग वगैरह सब कुछ रामलला के अनुरूप बन जाए। और जैसा वेदांती जी ने कहा, मुझे भी अपेक्षा है श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार हो जाए, ये देख करके तब मैं संसार से परित्याग करूं, अपने शरीर का विसर्जन करूं, ये अपेक्षा हमारी है। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री अवैधनाथ के चरणों में अपने वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत। हमारे बीच हम सबके सौभाग्य से पधारे, प्रयागराज से पधारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन आशीर्वचन और श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। पूज्य महाराज श्री नारायण 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 हरियो नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय गुरुवर्थे त्यक्तराजो बुचरधर्मनम पदम पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्परिशाक्षमाभ्याम हृतपदरजो जो हरीन्द्रानुजाभ्याम भैरोप्याचोरपड़ख्या प्रिबृहसारो शत्रुभ्यो विजृंभस त्रस्ताब्धि बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्ना भर्जनम भवबीजानां मर्जनम सुखसंपदां तर्जनम जमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम। तो तीन बार भगवान का नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री गोरक्षनाथ महाराज की, सत्य सनातन धर्म के, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, काशी विश्वनाथ भगवान की, हर हर महादेव। मुझे भैया ज्यादा बोलना आता नहीं है, महर्षि दिग्विजयनाथ जी महाराज को तो हमने नहीं देखा था, तब संपर्क नहीं था हमारा। ১৯৬০ का प्रयाग का अर्धकुंभ था, मैं बालक था 18-19 साल का, मेले में मैं टहल रहा था। तब ने महर्षि
अवैधनाथ महाराज को मैंने देखा, उस समय वो जुआ थे। शिविर का प्रबंध स्वतः लेकर के चारों तरफ दौड़ रहे थे। मैंने देखा, मेरी श्रद्धा थी, मैंने जाकर के प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, तो मैंने बताया शंकराचार्य आश्रम में रहता हूं। इतने हमारी उनकी बात हुई, लेकिन जो स्नेहिल उनकी दृष्टि थी वो मुझे घर कर गई। इधर राम जन्मभूमि आंदोलन के अवसर पर बहुत बार मिलना होता था। 1991 के चुनाव के अवसर पर रामलला के पक्ष को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के साथ मैं भी चुनाव प्रचार भी कर रहा था। पहले पहल मैं आया यहां, ऊपर जहां आप रहते हैं उसके बगल कोने में रात्रि में मैं ठहरा। ठीक है, सवेरे उठा, स्नान स्नान करके मैं, मेरे पास एक कमरी रहती है, उसी को बिछा करके बैठ करके नीचे पूजा कर रहा था। तब तक महाराज श्री आ गए। कहा, महाराज आप यहां कहां बैठे हो, शायद दूसरी तरफ कुछ विशिष्ट आसन रहा होगा। कहे आप वहां चल गद्दी पर बैठ करके पूजा करिए। मुझे कुछ हंसी सूझी, कुछ बाल चापल्य सूझा। मैंने कहा, महाराज जी उस गद्दी पर बैठेंगे तो वो भी गद्दी हम ले लेंगे। महाराज जी बहुत भावुक हो गए, आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं, महाराज जी वो भी गद्दी आपकी ही है। इतनी बात हुई थी उस समय। उनकी सरलता, सहृदयता, सर्वजन प्रियता का बखान करना बड़ा कठिन है। नारायण कैसे थे वो आप लोग जानते हो। उनका सारा कार्य बतला रहा है वो कैसे थे। हम तो अपने वर्तमान महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आशा रखते हैं, अपेक्षा भी रखते हैं, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री होने के नाते हम चाहते हैं कि उनके महाराज जी के संकल्प को और आगे बढ़ावें। आश्रम की व्यवस्था तो चली रही, बहुत बढ़िया चल रही है, ऐसे कहीं नहीं चल रही, कहीं नहीं किसी आश्रम में ऐसी व्यवस्था नहीं चल रही। मेरे मन में कुछ बात आ रही, मैं कह दूं। इसके साथ साथ हमारे वेदांती जी ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ आपके ही कार्यकाल में मुक्त होगा। मैं भी उसकी अपेक्षा करता हूं, और आपको यह भी करना होगा कि अयोध्या का विकास बहुत जल्दी किया जाए। जो जो आपके मन में है उसे पूरा कर दें, क्योंकि प्रतिष्ठा
जनवरी 24 में संभव है कि हो जाए ठाकुर जी की। उससे पहले अयोध्या का मार्ग वगैरह सब कुछ रामलला के अनुरूप बन जाए। और जैसा वेदांति जी ने कहा, मुझे भी अपेक्षा है श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार हो जाए। ये देख करके तब मैं संसार से परित्याग करूं, अपने शरीर का विसर्जन करूं, ये अपेक्षा हमारी है। इन शब्दों के साथ महाराज श्री अवैधनाथ के चरणों में अपने वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया। आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया। बुधवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया, जहाँ पर लगभग 300 से अधिक फरियादी विभिन्न जिलों से अपना फरियाद लेकर पहुंचे थे। बारी बारी मुख्यमंत्री योगी ने फरियादियों के फरियाद को सुना तथा उसकी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित फरियादी मौजूद रहे। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति समाज, राष्ट्र व धर्म की समस्याओं से पलायन की आज्ञा नहीं देती है। समाज, राष्ट्र व धर्म की समस्या को हमें अपने खुद की समस्या मानना होगा। हमें खुद को हर चुनौती से निरंतर जूझने के लिए तैयार रखना होगा, क्योंकि समस्याओं से पलायन करने वाले उनसे मुंह मोड़ने वाले जनविश्वास खो देते हैं। पलायन करने वालों को वर्तमान और भावी पीढ़ी कभी माफ नहीं करती है। सीएम योगी, युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं तथा राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन बुधवार आश्विन कृष्ण चतुर्थी को महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। श्रद्धांजलि समारोह में अपने भावों को शब्दांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरक्षपीठ के पूज्य आचार्य द्वे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने धर्म, समाज और राष्ट्र की समस्याओं से पलायन ना करने का आदर्श स्थापित किया। उनके मूल्यों, सामर्थ्य और साधना की सिद्धि का परिणाम आज गोरखपुर के विभिन्न विकल्पों के माध्यम से देखा जा सकता है। उन्होंने गोरक्षपीठ को सिर्फ पूजा पद्धति और साधना स्थली तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के विभिन्न आयामों से जोड़कर लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। सीएम योगी ने कहा
कहा कि गोरक्षपीठ की परंपरा सनातन धर्म की महत्वपूर्ण कड़ी है। आश्रम पद्धति कैसे संचालित होनी चाहिए, समाज, देश और धर्म के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन इस पीठ ने किया है। ऐसे दौर में जब बहुतायत लोग भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं, देश काल व समाज के अनुरूप कार्यक्रमों से जुड़कर यह पीठ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ द्वारा स्थापित आदर्शों को युगानुकूल तरीके से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जब देश पराधीन था तब यह धार्मिक पीठ सीमित संसाधनों से शिक्षा का अलख जगाने के अभियान से जुड़ती है। पूज्य संतों ने आजादी के आंदोलन को नेतृत्व दिया, उसमें भागीदार बने और इस दिशा में गोरक्षपीठ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सीएम योगी ने कहा कि आजादी का आंदोलन हो या आजादी मिलने के बाद राष्ट्र निर्माण के अभियान को गति देने की बात गोरक्षपीठ ने महंत दिग्विजयनाथ व महंत अवैधनाथ के नेतृत्व में निरंतर प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग प्रशस्त होने से भारत के लोकतंत्र व न्यायपालिका की ताकत वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हो या फिर प्रयागराज दिव्य एवं भव्य कुंभ हमारे सांस्कृतिक विजय के इस अभियान का हिस्सा है। यही नहीं, अब भारतीय नस्ल के गोवंश संरक्षण की वकालत वैश्विक मंचों से की जा रही है। अति भौतिकता के पीछे पड़कर अर्जित की गई गंभीर बीमारियों से बचने के लिए प्राकृतिक खेती पर दुनिया जोर दे रही है और प्राकृतिक खेती के लिए भारतीय ही गोवंश आधार होगा। इससे गाय भी बचेंगी और मानवता को बीमारियों से मुक्ति भी मिलेगी। कुल मिलाकर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और हम सभी को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मासूमों की मौतों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 1977 से 2017 तक प्रतिवर्ष 1200 से 1500 बच्चे इस बीमारी के चलते दम तोड़ देते थे। 40 साल में 50,000 मौतें हुई। दम तोड़ने वाले बच्चे इसी समाज की धरोहर थे। 2017 के बाद से सरकार ने स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाकर शासन प्रशासन के साथ जनता के सहयोग से बीमारी का समाधान निकाला। इन सब का परिणाम यह है कि इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतें अब शून्य की तरफ हैं। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान समय में अपना देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक हमारा लक्ष्य भारत को विकसित एवं दुनिया की महाताकत बनाने का होना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सभी को विगत स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पंच प्रणों से जुड़ना होगा। अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रह्मलीन महंत द्वय की व्यक्तित्व एवं कृतित्व सदैव प्रेरणादायी है। श्री राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ ही उन्होंने गोरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को प्रवाहमान बनाया। श्रद्धांजलि समारोह में प्रयागराज से पधारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, उन्हें पूरा विश्वास है कि मथुरा और काशी का पुनरुद्धार भी उन्हीं के नेतृत्व में होगा। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर और काशी में भगवान शिव के मंदिर का नवोत्थान शुरू हो, तभी वह वासुदेवानंद सरस्वती अपने शरीर का परित्याग करें। इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से जुड़े अपने संस्मरण सुनाते हुए शंकराचार्य ने कहा कि महंत जी की सरलता, सहृदयता व सर्वजनप्रियता का बखान कर पाना मुश्किल है। कहा कि वर्ष 1991 में वह गोरखनाथ मंदिर आए थे। एक स्थान पर पूजा करते देख महंत अवैधनाथ ने उनसे विशिष्ट स्थान पर पूजा करने का अनुरोध किया। वासुदेवानंद जी द्वारा ठिठोली करते हुए यह कहने पर कि तब तो यहाँ की गद्दी भी मेरी हो जाएगी, महंत जी ने सहज ही कह दिया, महाराज यह तो आपकी ही है। शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के पूर्व विशिष्ट आश्रम अयोध्या से आए पूर्व सांसद डॉक्टर राम विलास वेदांती ने भी अपने संबोधन में कहा कि मथुरा व काशी में भव्य मंदिर का निर्माण भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते ही संभव होगा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए महायोगी गोरखनाथ द्वारा भेजा गया दूत बताया। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का स्मरण करते हुए डॉक्टर वेदांती ने कहा कि सभी संतों को एक मंच पर लाने का श्रेय ब्रह्मलीन महंत जी को ही है।
उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व उस समय स्वीकार किया जब कांग्रेस सरकार के डर से कोई इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस अवसर पर अपने संबोधन में अलवर के सांसद और रोहतक के अस्थल बोहर पीठ के महंत बालकनाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ राम राज्य स्थापना की संकल्प भूमि है और इस पीठ के ब्रह्मलीन महंत द्वय समूची मानवता के प्रेरणा पुंज। श्रद्धांजलि समारोह में दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास, बड़ौदा गुजरात से आए महंत गंगादास, कटक उड़ीसा से आए महंत शिवनाथ व नागपुर महाराष्ट्र से पधारे स्वामी जितेंद्र नाथ ने भी विचार व्यक्त किए। इसी क्रम में सांसद रवि किशन शुक्ला, राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल, राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी, व्यापार मंडल से सुरेंद्र सिंह मुन्ना, चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष SK अग्रवाल, सिंधी समाज से लक्ष्मण नारंग ने भी ब्रह्मलीन महंत द्वय के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वागत संबोधन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह तथा संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्रों पर पुष्पांजलि से हुआ। वैदिक मंगलाचरण, डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी, गोरक्ष अष्टक का पाठ गौरव तिवारी व आदित्य पांडे तथा महंत अवैधनाथ श्रोत का पाठ डॉक्टर प्रांगेश मिश्र ने किया। सरस्वती वंदना एवं श्रद्धांजलि गीत की प्रस्तुति महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय की छात्राओं ने की। इस अवसर पर जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी, विश्वेश प्रपन्नाचार्य स्वामी, विद्या चैतन्य, महंत नरहरिनाथ, महंत कमलनाथ, महंत लालनाथ, महंत देवनाथ, महंत राम मिलन दास, महंत मिथिलेश नाथ, महंत रविंद्र दास, योगी रामनाथ, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। परिभूषितांगं अवेद्यनाथं तमनाथनाथं गोरक्षपीठाधिपतिं स्मरामि। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब को सभी आगतों के स्वागत के लिए प्रोफेसर यूपी सिंह साहब, मैं आप सबका आमंत्रण करता हूं, स्वागत करता हूं, आपके चरणों में मैं अभिवादन करता हूं। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर वर्ष इस विषय पर चर्चा होती है। हमारे दोनों ब्रह्मलीन पूज्य पीठाधीशरों न केवल
मंदिर से जुड़ी हुई संस्थाओं, महाराणा प्रताप शिक्षक से जुड़ी हुई संस्थाओं को प्रभावित किया, मार्गदर्शन किया और हमारे इनके बीच में कार्य अनुशासन वर्क डिसिप्लिन आचरण की डिसिप्लिन और हर तरह का अनुशासन और कार्य का अनुशासन उन्होंने किया, बल्कि अनेक संस्थाओं के भी मार्गदर्शक रहे। उनका उन्होंने पथ प्रदर्शन किया, मार्गदर्शन किया और संरक्षण दिया तथा उनके कार्यों में उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रबोधित किया। आज उन संस्थाओं की ओर से अनेक संस्थाएं हैं और उनमें से कुछ संस्थाओं की ओर से उनको श्रद्धांजलि देने का, हमारे दोनों ब्रह्मलीन महाराज जी को, महंत जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इकट्ठा हैं। मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूँ। अब विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संगठनों की ओर से पूज्य संत द्वय के प्रति श्रद्धांजलि। मैं इस क्रम में सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हम सबकी श्रद्धा और आस्था के केंद्र गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर विराजमान देश भर से आए हुए पूज्य संत चरण, इस सभागार में उपस्थित सम्मानित जन बहनों भाइयों, गोरक्ष पीठ करोड़ों हिंदुओं की आस्था व श्रद्धा का केंद्र है। समय समय पर राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने में गोरक्षपीठ की क्या भूमिका होगी, मानो भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने स्वयं ही इसको निर्धारित किया है और इसको समय काल और परिस्थिति के अनुसार गोरक्षपीठ के पूज्य पीठाधीश्वरों ने सिद्ध भी किया है। चाहे युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद का काल, या राष्ट्र संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, किसी भी क्षेत्र में समाज जीवन के, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सेवा, सामाजिक समरसता और या हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का अभियान रहा हो, उनके इन दोनों पूज्य संतों के योगदान को कौन भुला सकता है और उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का काम वर्तमान गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो इस पीठ की गौरवशाली परंपरा का मामला हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते विकास के साथ साथ, सुरक्षा के साथ साथ धार्मिक आस्था के केंद्रों को मजबूत करने का मामला हो, मैं आज के इस अवसर पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र जी। इसके पश्चात मैं महानगर के प्रथम नागरिक, महानगर के महापौर भाई सीताराम जायसवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। परम पूज्य महाराज जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, संतगण और उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं, महाराज जी के नेतृत्व में एक हफ्ते से श्रद्धांजलि सभा विभिन्न संस्थाओं द्वारा राष्ट्र और समाज के विषयों पर श्रद्धांजलि दी गई है। आज श्रद्धांजलि का अंतिम दिन है। हमारे परम पूज्य राष्ट्र संत दिग्विजयनाथ जी महाराज, राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज, ये दो संतों का जीवन पूर्ण रूप से राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सामाजिक समरसता का क्षेत्र हो, इन दो महान सपूतों ने
भारत के मान और सम्मान को बढ़ाया है। और इसके पश्चात मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं। श्री विपिन सिंह, आज संविधान सभा के साप्ताहिक कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री, सम्मानित मंच आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव मित्रों, पूज्य महाराज जी जब से गोरक्ष पीठाधीश्वर हुए हर क्षेत्र में बाबा गोरक्षनाथ की कीर्ति फैली है, चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारतवर्ष में पूज्य महाराज जी ने 5 सालों में बता दिया कि मित्रों, हिंदू समाज को जगाने वाला अगर कोई है तो अपने गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री है। मित्रों, आज प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया, पूज्य महाराज जी का नाम भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में पूज्य महाराज जी का डंका बज रहा है। पूज्य महाराज जी, पूज्य महाराज जी जब से पीठाधीश्वर हुए मित्रों, गोरक्ष पीठ के अधीन करीब 3 दर्जन से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में तमाम संस्थाएं कार्य कर रही हैं। इसके लिए पूज्य महाराज जी को प्रणाम करेंगे। मित्रों, अभी पूज्य महाराज जी कहां जाएंगे, बाबा गोरक्षनाथ का आशीर्वाद है, पूज्य महाराज जी आगे पूरे भारतवर्ष की कमान संभाले डाले। सभी लोग यह कामना करिए कि बाबा गोरक्षनाथ कृपा करें और पूज्य महाराज जी देश की कमान संभाले। एक बार पुनः सभी को यहां धन्यवाद देते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय पूज्य महाराज जी। भारतीय संसद में भोजपुरियों का प्रतिनिधित्व करने वाले और भोजपुरी का डंका बजाने वाले गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय शुक्ला जी। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। सामाजिक समरसता के अग्रदूत, हिंदू पुनर्जागरण जागरण में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 93वीं व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ महाराज जी की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूज्य महाराज जी को कोटि कोटि नमन। हिंदू राष्ट्र ध्वज को लेके चलना इस मंदिर द्वारा ये प्रथा थी और पूज्य महाराज जी द्वारा ये समस्त विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ। आज मैं विश्व भ्रमण करके आया हूँ विदेशों से, वहाँ पर पूज्य महाराज जी की इसी विचारधारा के बारे में बड़ी बड़ी चर्चा हुई। जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी में मैं गया और वहाँ के बच्चों से कि सनातनी विचारों को लेके सनातनी धर्म का पालन करते हुए अपनी संस्कृति के साथ भी आप इस देश को जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं, जैसे पूज्य महाराज जी सेकंड टर्म में इस इतने बड़े 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं और सर्व समाज को लेके, ये हिंदुत्व की बहुत बड़ी पहचान है। और हिंदुत्व का ध्वज या सभी हमारे पहले सबने कहा कि राम जन्मभूमि से लेके ये मंदिर ये पीठ एक आंदोलन के लिए जाना गया, ये मंदिर और ये पीठ दूसरे के दुख दर्द को लेके चलने के लिए जाना गया, गरीबों की आवाज के लिए मंदिर ये पीठ जाना गया। जब भी गरीबों को पीड़ा हुई पूज्य महाराज जी हमेशा खड़े रहे, ये पीठ हमेशा खड़ा रहा। जब भी अधर्म पर धर्म पर किसी तरह से कोई भी आपत्ति आई, ये पीठ खड़ा रहा। मैं ऐसे पीठ को प्रणाम करता हूं और जितने मंचासीन सारे हमारे बड़े बड़े संत साधु यहां हैं समस्त भारत से और इतने दिन से ये पूजा पाठ यहां पे जब चल रहा है, मैं सभी को नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि हमारी कोई कुवत नहीं, मैं इन लोगों के समक्ष बैठ के 2 शब्द बोल पाया। आज महादेव की कृपा हुई कि आज इस लायक हमको महादेव बनाए। धन्यवाद महाराज जी आपके।
मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। श्रद्धांजलियों के क्रम में सदन से मंच की तरफ मुखातिब होते हुए मैं पूज्य संत जनों में सर्वप्रथम इस सदन के अत्यंत लोकप्रिय संत, प्रतिवर्ष हमें आशीर्वाद देने वाले अयोध्या के दिगंबर अखाड़े से पधारे महान सुरेश दास जी महाराज को मैं विनम्रता पूर्वक सादर आमंत्रित करता हूँ पूज्य संत द्वय के प्रति श्रद्धांजल समर्पित करने के लिए। जय श्री राम। बात बनी नहीं भाई, चलत महाधुज गर्ज से भारी, पता चले कि कार्यक्रम हो रहा है। जय श्री राम। श्री गोरखनाथ मंदिर की जय बुला लीजिए। पहले जय बुला लीजिए, भगवान को जय बुलाते हैं तो अपना विजय होता है, भगवान का तो जय है ही है। श्री गोरखनाथ मंदिर की, श्री गोरखनाथ मंदिर की, युग पुरुष श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज की, राष्ट्र संत श्री महाराज जी की, और वर्तमान उत्तर प्रदेश के संत एवं हिंदुत्व के संरक्षक गौ संरक्षक श्री महाराज जी की। आप लोग जानते ही हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। तो शिक्षा में भी और स्वास्थ्य में भी गोरखनाथ मंदिर सबसे आगे है। और विप्रधेनु सुरसंत चार चीज के लिए भगवान का अवतार होता है, जिसमें गौ सेवा जो है यहां का प्रमुख है। गौ सेवा से ही प्रमुख है, इसलिए गोरखनाथ मंदिर कहा जाता है। और आप देखिए कितने विद्यालय चल रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चियां पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये सब महाराज जी की देन है। एक चीज और, एक जगह से खबर हमको मिली थी कि महाराज जी जगत में कौन परमानेंट आप सुनाए नहीं, तो लोग कहते हैं कि हमको परमानेंट बना दो, लोग कहते हैं कि हमको परमानेंट, चाहे वो नौकरी में हो चाहे कोई हो, लेकिन जगत में कौन परमानेंट, जगत में कौन परमानेंट, तेल चमेली वो के साबुन चाहे लगा लो सेंट, आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, जगत में कौन परमानेंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट, ध्यान रहे प्रभु पर फिर पहनो धोती अथवा पैंट, जगत में कौन परमानेंट। फिर क्या करो, का साधु संत की संगति कर लो, साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। अब सुरेश दास कहे इस दफ्तर से मत हो ना एब्सेंट, जगत में कौन परमानेंट, जगत में कौन परमानेंट। पुनः श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं रस संत श्री अवैधनाथ जी महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूँ संक्षिप्त शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का दर्शन मुझे मिला 1973 में कलकत्ता में। कलकत्ता में एक बड़ा सम्मेलन था, महाराज जी गए थे, मैं उसमें था, वहीं दर्शन मिला महाराज जी का। महाराज जी मुझे वहीं से ले आए थे गोरखपुर, उसी दिन से मेरा गोरखपुर से संपर्क है। प्राय 40-45 वर्ष साल हो गया गोरखपुर गोरखपीठ के साथ मेरा संपर्क है। मेरा कर्णच्छेदन संस्कार महाराज जी ने यहीं करवाया,
और महाराज जी उस समय गुजरात गए थे भ्रमण में, 15-20 दिन भ्रमण किया, मैं महाराज जी के साथ था। महाराज जी गए थे कर्नाटक मैंगलोर, मैं महाराज जी के साथ था। उड़ीसा बंगाल आसाम त्रिपुरा में महाराज का प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ जहाँ महाराज का पैर पड़ा वहाँ मैंने गोरखनाथ का मंदिर निर्माण कर दिया। अगरतला में त्रिपुरा में, त्रिपुरा का राजधानी अगरतला, अगरतला में एक भव्य गोरखनाथ मंदिर निर्माण हुआ है। परम पूज्य महाराज जी गए थे, योगी जी महाराज गए थे अगरतला गोरखनाथ मंदिर में, हम लोग प्रोग्राम किया था। आप लोग 86 में यही हॉल में 86 में हरिद्वार में कुंभ मेला थी। कुंभ मेला में महाराज जी घोषणा कर दिया जो साधु लोगों के लिए एक योग साधना शिविर होगा गोरखपुर में, शिवनाथ जी योग सिखाएंगे। साधु महात्मा गण यहीं आए थे, मैंने एक महीना यहीं रह करके साधुओं को आसन प्राणायाम ध्यान सिखाया। और परम पूज्य महाराज जी प्रतिदिन प्रवचन करते थे। आज महाराज का श्रद्धांजलि उत्सव में मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करके मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। बड़ौदा गुजरात से पधारे महंत श्री गंगादास जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। द्वय महापुरुषों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु गोरक्षनाथ, वंदे मातरम, जय भारत। महाराष्ट्र से पधारे महान श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री जितेंद्र नाथ, हमारे पीठ का और गोरक्ष पीठ का संबंध जो कागजों से भी मिलता है वो 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी से महाराष्ट्र का और इस गोरक्ष पीठ का पुरुषार्थ और भक्ति संबंध रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का वो पुरुषार्थ और वो धर्म कार्य और वो दिव्य चैतन्य प्रेरणा वो महाराष्ट्र से जो शुरू होती है और उस नदी का जब मिलाप गोरक्ष पीठ के ये भक्ति सागर पुरुषार्थ सागर इस पीठ से होता है तो विश्व की कोई शक्ति इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती। आत्मा महापुरुष द्वयों की आज पुण्यतिथि है, उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, जय गोरक्षनाथ। अयोध्या धाम से पधारे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांति जी को। माननीय वेदांति जी, भारत माता की। सभी लोग दोनों भुजाओं उठाकर बोलेंगे भारत माता की। पंजा नहीं दिखाई दे, बजरंग बली की गदा बनाई, मुट्ठी बांधी, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गोरक्षनाथ भगवान की, गोरक्षनाथ भगवान की, पूज महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की, पूज महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, हर हर महादेव। और याद दिलाना चाहता हूं 2007 में एक बैठक हुई थी अयोध्या हिंदू धाम में, पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की अध्यक्षता में, स्वामी वामदेव जी थे, पूज्य परमानंद जी थे, पूज्य नित गोपाल दास जी थे, स्वामी सत्यमित्र आनंद गिरी जी थे, स्वामी परमानंद जी थे और उस समय सभी संत लोग वहां आए हुए थे। हिंदू धाम में बैठक थी, उसमें योगी आदित्यनाथ गोरक्षपुर के सांसद बन चुके थे। अशोक सिंघल जी ने खड़े होकर कहा, महन जी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आज एक बात बता रहा हूं कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तभी राम जन्मभूमि का मंदिर बनना प्रारंभ होगा। ये अशोक सिंघल की बात, अशोक सिंघल की बात उस दिन चरितार्थ हुई जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि बननी चाहिए और भारत सरकार एक नया ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण प्रारंभ करे। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2020 5 अगस्त को
जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रामलला के दरबार में पहुंचे, उसमें सभी संत लोग विराजमान थे। और जब भूमि पूजन शिलान्यास हुआ, उस समय हमारे पास में कुछ संत लोग बैठे हुए थे और वो हमसे पूछ रहे थे कि वेदांती जी, रामलला का मंदिर तो बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने कहा था काशी विश्वनाथ और भगवान कृष्ण का मंदिर भी बनना चाहिए। हमने कहा चिंता मत कीजिए, वो समय भी आने वाला है, वो समय जल्दी आएगा जब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर भी प्रारंभ हो जाएगा। और अभी जब मैं यहां आ रहा था तो 11 सितंबर को वाराणसी की कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे वहां पर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था, इसलिए वही भगवान शंकर की भूमि है। और याद दिलाना चाहता हूं, जैसे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन शिलान्यास हुआ, मंदिर बनना प्रारंभ हो गया, वैसे ही योगी आदित्यनाथ के रहने पर काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। और याद दिलाना चाहता हूं, एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि मथुरा की किरण जन्मभूमि पर भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए, भारतीय अध्यात्म जगत और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए भगवान गोरखनाथ ने योगी आदित्यनाथ को इस मठ पर भेजा है। और याद दिलाना चाहता हूं, लोग कहते हैं जब हम लोगों ने सन 84 में राम जानकी रथ प्रारंभ किया था, तब लोगों ने कहा था, मैं बताना चाहूंगा, और कहा था वेदांती जी, इतने धर्म के धर्माचार्यों को एक मंच पर कौन बैठा सकता है। हमने कहा कौन बैठा सकता है, कहा जैसे मेढक को तराजू में तोला नहीं जा सकता, वैसे कई संप्रदायों के संतों को, जगतगुरुओं को एक मंच पर बैठाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, राम जानकी रथ चलने के बाद देश के सभी शंकराचार्य, देश के सभी रामानुजाचार्य, देश के सभी रामानंदाचार्य, देश के सभी बल्लभाचार्य, देश के सभी निम्बार्काचार्य, देश के सभी जगत गुरु एक मंच पर बैठकर निर्णय लिए। और वो दिल्ली का मंच था, उस दिल्ली के मंच पर रामलीला मैदान पर बैठकर निर्णय लिया था सज्जनों। और आज वह निर्णय दिखाई दे रहा है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दो मंदिर बनना प्रारंभ हो गया और तीसरा मंदिर भी शुरू होने वाला है। पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज, सन 70 में जब पहली बार मैं यहां आया था तब ये मंदिर नहीं था, छोटा सा मंदिर था। पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज वहीं पर खड़े थे, पूज्य अभिराम दास जी महाराज के साथ, गुरुदेव के साथ आया था, पत्थर पड़े हुए थे, मंदिर का निर्माण चालू था। और इसके बाद गोरक्षपीठ कितना विस्तार लिया, पूरे गोरखपुर में कई विद्यालय, महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये पूज्य महंत वेदनाथ जी के देन है। और मैं अपने जीवन की घटना बताऊं, 96 में योगी आदित्यनाथ जी यहां के पीठ के महंत बन चुके थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, 3 दिन का प्रवास था गोरखपुर में, संयोग से मैं भी उसी बीच में आ गया। महंत वेदनाथ जी महाराज ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से कहा, जोशी जी कान खोर कर सुन लो, इस बार चुनाव मैं तब लड़ूंगा जब वेदांती को टिकट मिलेगा तब। ये पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से कहा था। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा बिल्कुल आपकी बात सत्य होगी। और इसके बाद पहली बार मुझे 96 में टिकट मिला मछली शहर से, और मैं उस लोकसभा चुनाव में जीता। आज निवेदन करना चाहता हूं, अभी देश के अंदर जिन्होंने धर्म और संस्कृति को समाप्त करने का कुचक्र रचा था, अब वो समाप्त हो चुका है, अभी तो 300 के पार पहुंचा है,
2024 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार करेगी, और तब जब 400 के पार हो जाएगी, तब जिस दिन राम जन्मभूमि पर ये केसरिया ध्वज लहरा जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, जिसकी कल्पना महंत दिग्विजय नाथ जी ने और महंत वेदनाथ जी ने किया था, जिसकी कल्पना डॉक्टर हेडगेवार ने किया था, जिसकी कल्पना गुरु गोलवरकर जी ने किया था, जिसकी कल्पना अशोक सिंघल जी ने किया था, जिसकी कल्पना जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती ने किया था, वह कल्पना भी 2024 के बाद भारत को साकार रूप में दिखाई देगी। इसलिए आज इस उपलक्ष पर पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज एवं पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं रोहतक हरियाणा से पधारे और अलवर राजस्थान के युवा सांसद श्री महंत बालकनाथ जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन और श्रद्धांजलि के लिए। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। इस पीठ के साथ जुड़कर आप सब भी आज जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना के लिए एक उम्मीद जगी है, ये उम्मीद को पूरा केवल मात्र इस पीठ के महंत ही नहीं अपितु इस पूरे क्षेत्र में गोरखपुरवासी सब लोग मिलकर पूरा करेंगे, इस भाव से हम सबको मिलकर काम करना होगा। आज पूरा देश आप सब की ओर देख रहा है। आप सब जानते हैं, आज कहीं भी जाते हैं, गोरखपुर का नाम लेते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के मुख पे एक प्रसन्नता आती है, आपको बड़े गर्व के साथ में देखता है, वो बड़ी उम्मीद के साथ में देखता है, वो बड़े विश्वास के साथ में देखता है, वो उसके विश्वास पर खरा उतरने का काम आप सबको मिलकर करना होगा। आज भारत की संस्कृति को स्थापित करने का काम आप सबको मिलकर करना होगा, तभी हम सब लोग मिलकर भारत की जनता की उम्मीद और भारत की जनता के विश्वास को हम पूरा कर पाएंगे। ये हम सब का दायित्व तो है। यहाँ पर सभागार में बैठे हमारे आने वाले पीढ़ी के हमारे होनहार छात्र छात्राओं का विशेषकर दायित्व है, समाज के सभी सामाजिक संगठनों का नेतृत्व करने वाले हर एक व्यक्ति हर एक संगठन का दायित्व है। गोरखपुर में जन्मे, गोरखपुर की आसपास की पूरी धरा पर जन्मे एक एक व्यक्ति का दायित्व, आपका विशेष दायित्व बनता है कि आज आपसे उम्मीद पूरा भारत रखता है, और मैं मानता हूं कि भारत के साथ साथ में पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया के समग्र जितनी भी सभ्यताएं हैं सबको आप सबसे उम्मीद है। आप सब देख रहे हैं कि कितना आज दुनिया के अंदर अराजकता का माहौल है, किस प्रकार से दुनिया के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को अपने आप से बढ़कर बताने की लड़ाई है। दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है, अगर दुनिया में शांति लाने का कोई काम करेगा तो ये सनातन धर्मी करेगा, और सनातन धर्मियों को आगे ले जाने का काम आप सभी गोरखपुर वासियों का है, इस गोरखपीठ का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको इस गोरखपुर पीठ के उद्देश्य को अपना उद्देश्य मानकर, अपना धर्म मानकर, अपना कर्म मानकर देश की उम्मीदों पर हम सबको मिलकर खरा उतरना है। एक एक गोरखपुरवासी को, एक एक व्यक्ति को जो गोरखपीठ से जुड़ा है, एक एक सनातन धर्मी को ऐसे पूज्य पवित्र स्थानों से उस आशीर्वाद को ग्रहण करके उस बीज की भांति अपने आप को बीज मानकर हमें पूरे भारतवर्ष के अंदर वृक्ष पैदा करने हैं, और पूरे भारतवर्ष के अंदर हम सबको उस भारत भूमि से जन्मे वृक्ष को पूरे विश्व भर के अंदर उस बीज की भांति हम सबको जाकर इस पूरे विश्व को फलीभूत करना है। इस भाव से हम सबको अपने जीवन को लगाना होगा। अच्छाई बुराई के बारे में हम सब जानते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये हम सब जानते हैं, और मनुष्य जीवन का स्वभाव भी है। आप सब देखते होंगे कि जब हम दुर्गंध के पास से गुजरते हैं तो हमारा मुंह चिड़चिड़ा हो जाता है, हम मुंह बना लेते हैं, अपना नाक बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, ये स्वभाव है मनुष्य का।
और ठीक उसी प्रकार से जब हम खुशबू की तरफ से गुजरते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारा चेहरा खुशी से झूम उठता है, मन गुदगुदाने लगता है। ठीक उसी प्रकार से अच्छाई और बुराई का कर्म है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा भी मन प्रसन्न होगा, हमारे आसपास का वातावरण भी प्रसन्न होगा। और हम अगर बुरे कर्म करेंगे तो जिस प्रकार से बदबू को देखकर हमारा मन दुखी होता है, ठीक उसी प्रकार से बुराई के पथ पर चलकर हम सब भी दुखी होंगे और समाज भी दुखी होगा। इस भाव से हम सबको अपने जीवन को लगाना है, इस भाव से हम सबको महंत और हमारे श्रद्धे श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनका जीवन में कुछ नहीं है, केवल जनता के हित के कल्याण के लिए, केवल अपने गुरुजनों के बताए हुए पथ पर आगे बढ़ने के लिए, आज यहां पर मंच पर अनेकों विद्वान संत बैठे हैं। हमारे दोनों महान पुरुष योगेश्वरों के जीवन के अंदर कोई भी छोटा सा मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई कर्म में, ना कोई वाणी में, ना कोई भाव में, ना कोई सेवा में छोटा सा भी दोष मात्र नहीं निकाल सकता। केवल निकाल सकता है तो व्याख्या कर सकता है उनके जीवन की, कोई निकाल कर सकता है तो केवल उनके जीवन के अंदर जो उन्होंने सेवा कार्य किए उनका विस्तार कर सकता है, व्याख्या ही उनका जीवन था। और हमको भी उसी प्रकार से जिनका केवल धर्म, जिनका केवल उद्देश्य, जिनका केवल कर्म मानव जीव का उत्थान करना है, अपने भारत का उत्थान करना है, अपनी संस्कृति की स्थापना करनी है और मानव जीव के अंदर शांति की स्थापना के साथ साथ में सद्भाव की स्थापना को आगे बढ़ाना है बिना किसी भेदभाव के। आप सब ने देखा होगा तो गोरखपीठ का इतिहास रहा है, नाथ संप्रदाय परंपरा का इतिहास रहा है कि समाज में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। और जब ऐसे नेतृत्व हमारे सम्मुख बैठे हो जिनका ध्येय राम की पूजा है, जिनका कर्म ही राम का भाव है, तो हम सबको तो बड़ा सौभाग्य मिला है कि ऐसे शुभ अवसर पर इनके साथ मिलकर, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर, इनके बताए हुए पद चिन्हों पर मिलकर हम निश्चित रूप से भारत की भूमि पर राम राज्य की स्थापना कर पूरी दुनिया के अंदर शांति की स्थापना के इस भाव को, पूरी दुनिया के अंदर हमारे दिए हुए महान ऋषि मुनियों की इस परंपरा के ज्ञान को पूरी दुनिया के अंदर प्रसाद के रूप में बांटेंगे और निश्चित रूप से हमारे इन महान सिद्ध पुरुषों की परंपरा को आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर यही श्रद्धांजलि हमारे गुरुजनों के श्री चरणों में देता हूं और ये संकल्प ले लेता हूं कि हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर, आपके पदचिन्हों पर चलकर अपने देश की सेवा में निरंतर समर्पित रहेंगे। आप सबका मंगल हो, आप सबका भविष्य उज्ज्वल हो। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। बहुत बहुत हम सबके सौभाग्य से पधारे, प्रयागराज से पधारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन, आशीर्वचन और श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। पूज्य महाराज श्री नारायण 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 हरि ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय गुरुवर्थे त्यक्तराजोपचरधनवनं पदं पदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां हृतपदरजो जौहरीन्द्रानुजाभ्यां वैरोप्याशोरपडख्या प्रिबृहसारुशत्रभ्रो विजृम्भस्त्रस्ताब्धि बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्ना भर्जनम भवबीजानां मर्जनम सुख संपदां तर्जनम जमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम। तो तीन बार भगवान का नाम, श्रीराम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री गोरक्षनाथ महाराज की सत्य सनातन धर्म के, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में
विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, श्रीराम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, काशी विश्वनाथ भगवान के, हर हर महादेव। मुझे भैया ज्यादा बोलना आता नहीं है, महर्षि दिग्विजयनाथ जी महाराज को तो हमने नहीं देखा था, तब संपर्क नहीं था हमारा। ১৯৬০ का प्रयाग का अर्धकुंभ था, मैं बालक था 18-19 साल का, मेले में मैं टहल रहा था, तब ने महर्षि अवैधनाथ महाराज को मैंने देखा, उस समय वो जुआ थे। शिविर का प्रबंध स्वतः लेकर के चारों तरफ दौड़ रहे थे, मैंने देखा, मेरी श्रद्धा थी, मैंने जाकर के प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, तो मैंने बताया शंकराचार्य आश्रम में रहता हूं। इतने हमारी उनकी बात हुई, लेकिन जो स्नेहिल उनकी दृष्टि थी वो मुझे घर कर गई। इधर राम जन्मभूमि आंदोलन के अवसर पर बहुत बार मिलना होता था। 1991 के चुनाव के अवसर पर रामलला के पक्ष को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के साथ मैं भी चुनाव प्रचार भी कर रहा था। पहले पहल मैं आया यहां, ऊपर जहां आप रहते हैं उसके बगल कोने में रात्रि में मैं ठहरा, ठीक है। सवेरे उठा, स्नान स्नान करके मैं, मेरे पास एक कमरी रहती है, उसी को बिछा करके बैठ करके नीचे पूजा कर रहा था। तब तक महर्षि आ गए, कहा महाराज आप यहां कहां बैठे हो, शायद दूसरी तरफ कुछ विशिष्ट आसन रहा होगा, कहें आप वहां चल गद्दी पर बैठ करके पूजा करिए। मुझे कुछ हंसी सूझी, कुछ बाल चापल्य सूझा, मैंने कहा महाराज जी उस गद्दी पर बैठेंगे तो वो भी गद्दी हम ले लेंगे। महाराज जी बहुत भावुक हो गए, आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं महाराज जी वो भी गद्दी आपकी ही है। इतनी बात हुई थी उस समय, उनकी सरलता सहृदयता सर्वजन प्रियता का बखान करना बड़ा कठिन है। नारायण कैसे थे वो आप लोग जानते हो, उनका सारा कार्य बतला रहा है वो कैसे थे। हम तो अपने वर्तमान महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आशा रखते हैं, अपेक्षा भी रखते हैं
और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री होने के नाते हम चाहते हैं कि उनके महर्षि के संकल्प को और आगे बढ़ावें। आश्रम की व्यवस्था तो चली रही, बहुत बढ़िया चल रही है, ऐसे कहीं नहीं चल रही, कहीं नहीं किसी आश्रम में ऐसी व्यवस्था नहीं चल रही। मेरे मन में कुछ बात आ रही, मैं कह दूं। इसके साथ साथ हमारे वेदांति जी ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ आपके ही कार्यकाल में मुक्त होगा। मैं भी उसकी अपेक्षा करता हूं और आपको यह भी करना होगा कि अयोध्या का विकास बहुत जल्दी किया जाए, जो जो आपके मन में है उसे पूरा कर दें, क्योंकि प्रतिष्ठा जनवरी 24 में संभव है कि हो जाए ठाकुर जी की। उससे पहले अयोध्या का मार्ग वगैरह सब कुछ रामलला के अनुरूप बन जाए। और जैसा वेदांति जी ने कहा, मुझे भी अपेक्षा है श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार हो जाए, ये देख करके तब मैं संसार से परित्याग करूं, अपने शरीर का विसर्जन करूं, ये अपेक्षा हमारी है। इन शब्दों के साथ महाराज श्री अवैधनाथ के चरणों में अपने वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। अपेक्षाओं के इसी अंबार को संभालने के लिए गुरु गोरक्षनाथ से प्रार्थना करते हुए अपने पूज्य महाराज श्री के लिए, ऐसे भारतीयता, राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति के लिए अपना जीवन, अपनी जवानी समर्पित करने वाले पूज्य महाराज श्री को सादर प्रार्थना करता हूं अपने मार्गदर्शन, उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए। पूज्य महाराज श्री, साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के क्रम में आज ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि है और इस समारोह में यहाँ पर अपना श्रीवतन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित जगतगुरु शंकराचार्य, पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, दिगंबर खड़ा अयोध्या से पधारे श्री महंतो सुरेश दास जी महाराज, रोहतक हरियाणा से पधारे हमारे माननीय सांसद श्री महंत बालकनाथ जी महाराज, सुग्रीव किलाधीश अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, वशिष्ठाश्रम अयोध्या धाम से पधारे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, नेमिसारण्य से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी, कटकुटिया से पधारे महंत शिवनाथ जी, बड़ौदा गुजरात से पधारे महंत गंगादास जी, नागपुर महाराष्ट्र से पधारे स्वामी जितेंद्रनाथ जी, अयोध्या धाम से पधारे स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, कच्छ गुजरात से पधारे योगी देवनाथ जी, महंत कमलनाथ जी, अन्य पूज्य संतजन, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक
संगठनों से जुड़े हुए सभी उनके पदाधिकारीगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और संबद्ध संस्थाओं के सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य, उपस्थित छात्र छात्राएं, शिक्षा परिषद से के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विगत एक सप्ताह से गोरखपीठ में अपने पूर्व आचार्यों के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के उनके पूर्ण स्मृति में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था। आज उसका समारोह है और साथ ही ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के 8वीं पुण्यतिथि का भी एक पावन आयोजन है। मैं इस अवसर पर पधारे पूज्य संतों का आयोजन समिति की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने जो उद्गार यहां पर व्यक्त किए हैं, इसके लिए उन सबको गोरखपीठ की ओर से, आयोजन समिति की ओर से हृदय से साधुवाद भी व्यक्त करता हूं। गोरखपीठ की परंपरा भारत की सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। एक आश्रम की पद्धति कैसे होनी चाहिए, कैसे संचालित होनी चाहिए, समाज के प्रति, देश और धर्म के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो गोरखपीठ अपने पूर्व आचार्यों के उन सभी मूल्यों और आदर्शों पर चल करके उसका अक्षरशः पालन कर रही है। और यही कारण है कि भौतिकता के पीछे जब मानवता भाग रही हो, उन स्थितियों में भी अपने मूल्यों और आदर्शों को अक्षुण्य बनाए रखते हुए देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप, समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ गोरखपीठ जुड़ करके अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रही है। आप अनुमान कर सकते हैं कि एक धार्मिक पीठ आजादी के पूर्व जब देश पराधीन था, तब शिक्षा की अलख जगाने के लिए अपने सीमित संसाधनों से इस अभियान के साथ जुड़ता है। आजादी के पूर्व देश की आजादी के लिए उस समय की आवश्यकताएं क्या हैं? पूज्य संतों ने उस कालखंड में अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग भूभाग में आंदोलन को कहीं ना कहीं नेतृत्व देने का काम भी किया और उसमें बढ़ चढ़ करके भागीदार भी बने। गोरखपीठ भी उससे कभी अपने आप को वंचित नहीं रखा, क्योंकि पराधीनता तो देश की है, धर्म भी उस पराधीनता के दंश को झेल रहा था, तो कैसे गोरखपीठ इसको बर्दाश्त कर सकती थी। लगातार उस कालखंड में भी गोरखपीठ इस अलग के साथ, इस अभियान के साथ जुड़ करके अलग जगाने का कार्य कर रही थी। और यही कारण है कि आजादी के पूर्व देश के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने का कार्य अभियान रहा हो, या आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण के उस प्रवर्तमान अभियान को एक नई गति देने का गोरखपीठ निरंतर अपने आचार्यों के सानिध्य में इस कार्यक्रम को एक पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज का निरंतर यही प्रयास रहा
कमे देश कालोचित, समाज के अनुकूल, योग के अनुकूल अपने आप को ढालना होगा और उसके अनुरूप देश और धर्म की रक्षा करने के लिए उस प्रकार के अभियान का हिस्सा बनना भी पड़ेगा। आज जो कुछ भी हम सबके सामने है, सब इन पूर्व आचार्यों की ही कृपा, उनके सामर्थ्य, उनकी साधना और उनकी सिद्धि का ही परिणाम है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सेवा के चलने वाले विभिन्न प्रकल्प हो, या फिर साप्ताहिक इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में देश और समाज से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों पर गोष्ठी के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना, एक धार्मिक पीठ अपने आप को केवल अपने पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रख सकती। हम देश और समाज की ज्वलंत समस्याओं से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। धर्म कभी भी हमें देश और समाज से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्याओं से पलायन करने के लिए आज्ञा नहीं देता है। हम अपने आप को उन चुनौतियों के साथ जूझने के लिए तैयार करें। समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई समस्या को हम अपनी समस्या माने, हमारे धर्म स्थलों को उसके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के अगर हम पलायन करेंगे तो जनविश्वास को खोएंगे। राष्ट्र से जुड़ी भी किसी चुनौती को लेकर के अगर हम मुंह मोड़ने का प्रयास करेंगे तो देश, वर्तमान और भावी पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी। और यही भाव गोरखपीठ अपने पूर्व आचार्यों के सानिध्य में लेकर के निरंतर चला है। और आज भी आपने पिछले विगत एक सप्ताह के अंदर दोनों सत्रों में चले हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उन सभी समसामयिक मुद्दों और मूल्यों की ओर समान का ध्यानाकर्षण करने का भी वह एक माध्यम बना है। एक सप्ताह के अंदर उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई, वे चर्चाएं चाहे वह भारत के सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दे हों, से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम, ये भारत के लोकतंत्र की और भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास वैश्विक मंच पर कराता है। भारत की योग की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलना ये भारत की विरासत की विजय है। कुंभ को वैश्विक मान्यता देकर के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिलना ये भारत की सांस्कृतिक विजय के अभियान का हिस्सा है। भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण की वकालत आज वैश्विक मंच पर होना, और जब मानवता विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, इसमें बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो स्वयं मनुष्य ने अपने भौतिकता में अति भौतिकता के पीछे पड़कर के स्वयं अर्जित की है, उनसे मुक्ति का कोई राह दिखा सकता है तो भारतीय नस्ल का गोवंश प्राकृतिक खेती के माध्यम से उस राह को दिखाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। और इस पर आज विचार किए जाने की आवश्यकता है, इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, इस दिशा में एक नए मंथन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गाय भी बचेगी और मानवता उन तमाम प्रकार की बीमारियों से बचेगी जो आज देख रहे थे। मैं आज सुबह जनता दर्शन के कार्यक्रम में गया था, लगभग 300 से ज्यादा लोग जनता दर्शन में आए हुए थे और मुझे ज्यादातर मामले किस प्रकार के देखने को मिले, कैंसर के पेशेंट आए थे, किडनी खराब होने के वाले पेशेंट आए थे, किसी का लीवर खराब हो गया है, कोई हार्ट की बीमारी से परेशान है। गलती उनकी नहीं,
जो कुछ हम खा रहे हैं, ये फर्टिलाइजर, ये केमिकल, ये पेस्टिसाइड, ये कहीं ना कहीं जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए किया जा, खेती के लिए किया जा रहा है, ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो हमारे अंदर ही भोज्य पदार्थों के रूप में जा रहा है। और फिर एक समय वही बीमारी बनकर के इतना विभत्स रूप लेता है। स्वच्छता अभियान भारत का इतना अच्छा अभियान बना, इसने न जाने कितने लोगों के जीवन को बचाने का काम किया। हमें हरेक उस अभियान की कीमत को समझना भी पड़ेगा। आज से पहले 2017 के पहले इस सीजन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से हजारों मौतें होती थी, आज बीमारी नियंत्रण में है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ प्रयास अलग से किए गए हों, नहीं, पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम, जनता को जागरूक करना, जनता को स्वच्छता के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, थोड़ा भी प्रयास हुआ, शासन प्रशासन उस अभियान के साथ जुड़ा और जनता ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया, परिणाम है कि जहां 1200-1500 मौतें जिस पूरे सीजन भर में होती थी, आज उस मौत को हम लगभग जीरो तक पहुंचाने में हम सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 50,000 मासूम बच्चों को खोया है, 1977 से लेकर के 2017 तक। आखिरी मासूम बच्चे इसी समाज की धरोहर थी, क्या गलती की थी उन लोगों ने, लेकिन अव्यवस्था के शिकार हुए थे वे सब। शासन के पास फंड था, लेकिन उसका उचित नियोजन होना है। समाज को जानकारी नहीं थी कि जो बीमारी हो रही है, ये बीमारी का कारण क्या है। गंदगी उसका कारण है। रहन सहन में थोड़ा बदलाव कर लें और हम स्वच्छता की तरफ अग्रसर हो जाएं। तो हो सकता है उन सब बच्चों को भी उस समय बचाया जा सकता था, लेकिन उस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो पाए। और एक वक्त है, ये समय है आज की, कि जो कुछ भी भारतीय है इसका शोधन नए प्रपेक्ष में नए प्रयास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जिस दिशा में सभी लोग मिलकर के एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, वह हर एक क्षेत्र में भारत को एक नई प्रतिष्ठा दिलाएगा। आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। प्रत्येक भारतवासी को भी इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आजादी का ये अमृत महोत्सव वर्ष भी है। हम सब ने 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इन 75 वर्षों की इस यात्रा को हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया होगा, किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30 वर्ष, किसी ने 40, किसी ने 50 वर्ष की इस यात्रा को नजदीक से देखा होगा। भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, लेकिन दुनिया की एक महाताकत के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डाले बगैर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश को कुछ महत्वपूर्ण मंत्र दिए थे, पंच प्रण भी उसी का एक हिस्सा है।
हर व्यक्ति को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। कृतज्ञता ज्ञापित करना अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, यह भी उसी का हिस्सा है। हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है? हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अगर वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए, अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग धार्मिक जागरण के कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा दें, व्यापारिक संगठनों के लोग व्यवस्थित तरीके से उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा लें, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग शिक्षा के उस क्षेत्र में नई प्रगति के द्वार खोल लें, प्रशासन से जुड़े हुए लोग प्रशासनिक व्यवस्था के साथ, समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग समाज सेवी एक निश्चल और निष्पक्ष भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। कोई कारण नहीं कि जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब उस समय हमें एक विकसित भारत दिखेगा, दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित भारत दिखेगा। हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश और हमारा धर्म सुरक्षित हो, ये कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में इस प्रकार का भाव न हो। ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया गया है, ये सब इसी बात को लेकर के किया गया है कि सभी अपने इस देश के बारे में सोच सकें, और आज उस दिशा में अच्छे प्रयास हुए हैं, अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, अच्छी दिशा में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। हम सब भी उसका अनुसरण करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, गुलामी के किसी भी उस अंश को जो हमारे मन में पराधीनता का भाव जागृत करता हो उसको कतई हम स्वीकार न करें। वह किसी भी प्रकार की भाव का बोध हो सकता है, जो हमें पराधीनता की ओर अग्रसर करता हो उसे हमें नहीं स्वीकार करना है। और यही कारण रहा, वेदांति जी तो जब मंच पे चलते हैं तो उनकी दिशा, अगर उनको उत्तर चलना है तो दक्षिण की तरफ जरूर जाएंगे। और चलते चलते अचानक मुड़ जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा, महंत वैद्यनाथ जी महाराज, गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुरूप उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के नेतृत्व को भी स्वीकारा था। गोरक्षपीठ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभियान के साथ ही शैक्षिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जाने वाले इस अभियान को भी उन्होंने एक अपना हिस्सा बनाया था। आश्रम की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, गोरक्षा का कार्य भी होना चाहिए, संस्कृत अध्ययन का कार्यक्रम भी चलना चाहिए, स्वच्छता का मानक कैसे हो सकता है गोरक्षपीठ में, स्वच्छता के उस मानक को आपने आज से नहीं, पहले से ही आप देखते रहे होंगे। ये सभी मुझे लगता है हम सबको अपने जीवन का हिस्सा इसको बनाना पड़ेगा, हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर विगत एक सप्ताह से आप गोरक्षपीठ के आचार्य द्वय युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज के साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैं सबसे पहले पूज्य संतों का हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनका आशीर्वाद और उनका सानिध्य प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम के माध्यम से गोरक्षपीठ की संस्थाओं को और गोरखपुर की जनमानस को प्राप्त होता है। मैं इसके लिए उन सब के प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं। विभिन्न संगठनों और संस्थाओं को जो इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके
उसे और भी रोचक बनाते हैं। उन सभी पदाधिकारियों को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी हैं, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, गोरखपुर की विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक व्यापारिक संगठन हैं, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके छात्र छात्राओं को अनेक रोचक प्रसंगों पर जानकारी लेने का एक अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि जिन मुद्दों पर यहां चर्चा होती है, अगर थोड़ा भी हमारे छात्र छात्राएं उन सबको उन विषयों को नोट कर लें तो उनको किसी भी कंपटीशन में पार लगाने में ये सभी विषय जो होते हैं, जो मुद्दे यहां पर होते हैं, संगोष्ठी के मुद्दे होते हैं, उनके एक सामान्य ज्ञान के लिए ये बहुत निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और इसीलिए प्रयास किया जाता है कि अलग अलग गोष्ठी के आयोजन के साथ अलग अलग संस्थाएं जुड़ें, उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ें, देश और समाज से मुंह मोड़ करके हमारी शैक्षणिक संस्थाएं कभी अपने भविष्य की योजना नहीं बना सकती, उनके साथ उन्हें जूझना पड़ेगा, उनके अनुरूप अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। और उसी अभियान का हिस्सा एक कार्यक्रम बना हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी भी सभी संस्थाओं को, जो युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की साधना और सिद्धि की एक थाती है, उसको आगे बढ़ाना, उसको यशस्वी बनाने की दिशा में हम सबकी सामूहिक तपस्या उसके साथ जुड़नी चाहिए। और क्या कुछ हो रहा है देश और दुनिया में, उसको भी हमें इसके साथ जोड़ने का प्रयास करना ही होगा। आज के इस अवसर पर आप एक सप्ताह के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, आप सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम अपने पूज्य आचार्यों के व्यक्तित्व और कृतित्व से, जो हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति हो, उनके लिए इन पूज्य संतों का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व हमेशा प्रेरणादायी बना रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए, उनके से चरणों में नमन करते हुए, गोरखपीठ और सभी संबद्ध संस्थाओं की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराष्ट्र। और इसी के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन और आशीर्वचन के साथ ये सभा यही पूर्णता को प्राप्त करती है। गच्छ पुनरागमनाय च, आप यहाँ से पधारें किंतु पुनः पुनः आगमन के लिए पधारें, इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गीडा थाने की पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने वाले सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान पंकज कुमार पुत्र रघुनंदन मिस्त्री निवासी ग्राम भट्टा थाना काशीचक जिला नवादा बिहार, दूसरा दीप चंद पुत्र रामविलास निवासी शिशवा उर्फ चनकापुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, तीसरा इंद्रजीत पासवान पुत्र रामविलास पासवान निवासी कुशली थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर, चौथा संदीप पासवान पुत्र रमाकांत निवासी इब्राहिमपुर थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक फर्जी कूटरचित आधार कार्ड, फर्जी कूटरचित प्रवेश पत्र जिस पर नाम किसी और का है, 9 प्रवेश पत्र एवं मिक्सिंग की गई फोटो व आधार कार्ड की छाया प्रति तथा फर्जी हस्ताक्षर की छाया प्रति, मोबाइल स्क्रीनशॉट की छाया प्रति, 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, 70 रुपए नगद बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे ग्रुप जी की परीक्षा में एक सॉल्वर गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें पंकज कुमार पुत्र रघुनंदन मिस्त्री,
द्वारा फर्जी कूट रचित आधार कार्ड व फर्जी कूट रचित प्रवेश पत्र मिक्सिंग कर फोटो बदल कर दीप चंद पुत्र रामविलास के स्थान पर सॉल्वर के रूप में परीक्षा दे रहा था, जिनको गिरफ्तार कर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में गीडा थाने की अतिरिक्त निरीक्षक जगमोहन राय, नौसन चौकी प्रभारी अनूप सिंह, एसओजी प्रभारी मनीष कुमार यादव, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, राम इकबाल राव, अरुण कुमार खरवार, मौशीन खान, इंद्रेश कुमार वर्मा, कन्यापति तिवारी, रवि चौधरी, शैलेंद्र यादव, रवि शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, ये कल दिनांक 13/9/2022 को जनपद की स्वाट टीम को एक सफलता मिली। इन्होंने नौसड़ में हो रहे स्वास्थ्य ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पे जो ऑनलाइन साल्वर्स के गिरोह का भंडाफोड़ किया, उसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक अभी फरार है। एक जो पंकज नाम का व्यक्ति था, वो दीपचंद नामक अभ्यर्थी के स्थान पर बैठ परीक्षा दे रहा था। इसके अलावा 2 अन्य उसके सहयोगी थे। एक श्रीराम नामक व्यक्ति जो कि एक लोको पायलट है आगरा का और 10 लाख रुपए लेता है प्रति कैंडिडेट से, उसकी तलाश जारी है। और जो सॉल्वर है जो परीक्षा देता है उसको 1.5 लाख रुपए मिलता है। इस तरह से ये लोग विभिन्न लोगों को फंसा करके और उनसे पैसा लेते हैं और रेलवे या इस तरह की परीक्षाओं में वो अपने सॉल्वर्स बैठाते हैं। अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और एक अभी उसमें जो उसका मुख्य कार्यकर्ता है वो अभी फरार है, जो कि आगरा का रहने वाला है। ये राम जी के मिलने पर, जो इसका मुख्य कार्यकर्ता है उसके मिलने पर क्लियर हो जाएगा। वैसे जो साल्वर है वो एक आध जगह और परीक्षा में बैठा है। ये मोबाइल के जरिए और जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके जो दौड़ते हैं या एक जगह कहीं इकट्ठा होकर तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, उनको टारगेट करते हैं और उनके पास पहुंच के और फिर ये बताते हैं कि हम आपका इतने में सिलेक्शन करा देंगे और फिर ये अपने साल्वर्स का इंतज़ाम करते हैं और उसको बैठाते हैं। इसके गैंग लीडर इसका श्री राम है, जो कि एक लोको पायलट है रेलवे में और आगरा में पोस्टेड है। हाँ, गोरखपुर में एक लड़का इसका शाहपुर में है, उसके माध्यम से ये इन लोगों के संपर्क में आए थे। साल्वर को 1.5 लाख रुपए मिलता है और जो नेटवर्किंग कराता है या जो बीच में उनकी सदस्यता बढ़ाता है या जो जो इस तरह से उनको कस्टमर देता है उसको 20,000 रुपए मिलता है। हाँ, इसमें 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, 5 मोबाइल बरामद हुए हैं, पैन कार्ड बरामद हुए हैं और एडिट किया हुआ आधार कार्ड बरामद हुआ है, प्रवेश पत्र बहुत कई अभ्यर्थियों के बरामद हुए हैं। तो ये फ़ोटो को मिक्स कर देते हैं कि जो बैठ रहा है उसकी और जिसको बैठना है उसकी, दोनों की फ़ोटो को मिक्स करके लगा देते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि उनमें से दोनों की ही फ़ोटो है। वो ये स्वाट प्रभारी को अपने सर्विलांस के माध्यम से जानकारी हुई थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वास्थ्य लोक हित से जुड़ा विषय है। प्रदेश सरकार हर व्यक्ति को त्वरित, सुलभ और अत्याधुनिक चिकित्सा एवं इससे संबंधित जांच की सुविधा देने को पूरी संवेदनशीलता के साथ संकल्पित है। लोक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के दृष्टिगत सरकार अगले 3 माह में प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ HM की हाईटेक सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। CM योगी बुधवार शाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC चरगावा में गोरखपुर के पहले हेल्थ HM सेंटर का शुभारंभ करने के बाद यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने में हेल्थ HM की निर्णायक भूमिका होगी। हेल्थ HM स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी की अद्यतन महत्ता का एक छोटा सा उदाहरण है। स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ HM लगने के बाद गांव का व्यक्ति भी केंद्र पर जाकर 5 मिनट में 50 से अधिक जाँच करा सकेगा, वह भी निःशुल्क बिना भाग दौड़ के। उन्होंने कहा कि हेल्थ HM आज की आवश्यकता है। सरकार की मंशा है कि अगले 2 से 3 महीने में गोरखपुर के सभी स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ HM से आच्छादित हो जाएं। CM योगी ने कहा कि हेल्थ HM से करीब 59 प्रकार की जांच एक ही जगह पर बैठे बैठे 3 से 5 मिनट में हो जाएगी। इसकी जांच रिपोर्ट को टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टर को ऑनलाइन भेजकर उचित चिकित्सकीय परामर्श लिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि हेल्थ HM में वजन, पल्स रेट जैसी सामान्य जाँच के साथ ही कार्डियक, ब्लड शुगर, यूरिन, डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस प्रोफाइल, प्रेगनेंसी टेस्ट, टाइफाइड जैसी महत्वपूर्ण जांच भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से अक्सर शिकायत मिलती थी कि PSC CSC पर विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। टेली कंसल्टेंसी से जुड़े हेल्थ HM इस समस्या का समाधान करेंगे। हेल्थ HM नेटवर्क से भी जुड़ा रहेगा जिससे टेली कंसल्टेंसी की जा सके। इसके लिए सभी CSC PSC को Wi-Fi से लैस कर टेली कंसल्टेशन से जोड़ा जा रहा है। CM योगी ने कहा कि हेल्थ HM CSR फंड से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर से ही पैरामेडिक्स को हेल्थ HM संचालन की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार सभी जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करा रही है। करीब 64 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। शेष जिलों में भी इसे शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार स्वास्थ्य को लेकर क्या कर रही है, इसकी एक झलक प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में की जा सकती है। इन आरोग्य मेले में 2.5 से 4 लाख लोग निशुल्क जांच, परामर्श व दवा की सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। CM आरोग्य मेले में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली है। स्वास्थ्य सुविधा सुदृढ़ होगी तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कम होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 के बाद से पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प का भी उल्लेख किया। 1977 से 2017 तक 40 सालों में 50,000 मासूमों की मौत इंसेफ्लाइटिस से हो गई थी। 2017 के बाद धीरे धीरे इस पर नियंत्रण पाया गया। इस वर्ष JE जापानी इंसेफ्लाइटिस और AES एक्यू इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के कुल 40 मरीज मिले हैं। 7 मरीज JE के हैं और सुखद बात यह है कि इनमें से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि पहले प्रतिदिन 15 से 20 मौतें हो जाती थी। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष पूर्व जिस BRD मेडिकल कॉलेज की हालत खराब थी, वही कोरोना काल में इलाज के निर्णायक भूमिका में दिखा। अब तो BRD मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शुरू हो चुका है और इसके साथ ही गोरखपुर में एम्स की सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। जिला अस्पताल व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का भी उन्नयन हुआ है। उन्होंने अपील की कि हर पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत अपना कार्ड अवश्य बनवा ले ताकि उसे 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए बीमा कवर का लाभ मिल सके। हेल्थ HM का शुभारंभ करने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जनों में ट्राईसाइकिल वितरित की और दिव्यांग जन हेतु शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए यूनिक ID कार्ड बनवाने की अपील की। इस
अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि सपा बसपा की सरकारों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में नई क्रांति लाई है। मानवता की सेवा ही उनका ध्येय है। 25 करोड़ जनता के लिए हर एक क्षेत्र में वह प्रदेश को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। स्वागत संबोधन में पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि सबका साथ सबका विकास भाजपा सरकार का मूल मंत्र है। इसी मंत्र के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमजन को चिकित्सकीय जांच की सुविधा निःशुल्क देने के लिए हेल्थ एटीएम की सौगात दी है। आभार ज्ञापन करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि सीएम योगी से मिला हेल्थ एटीएम का उपहार आमजन की चिकित्सा सुविधा हेतु संजीवनी है। इस अवसर पर अलवर के सांसद महंत बालकनाथ, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, चरगावा की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह एवं CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, अरे दो है भी सही के बीच का मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ पूरा बाहर करा ना, सबसे अच्छा किसी एक हॉस्पिटल से आपको जोड़ना पड़ेगा ना, किसी हॉस्पिटल से, जिसका लाभ तभी है, मशीन कहाँ रहे यहीं पर तभी इसका लाभ हैं। आज
महान रविन्द्रदास टैगोर जी का और काशी धाम बस्ती के महान जी का जो हमारे आज विशेष अतिथि हैं आपके इस कार्यक्रम में जी विधान परिषद सदस्य हैं आप सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहती हूँ। आज इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय अभिनंदन हम चाहे एक बार हमारे महाराज जी खातिर गड़गड़ा के सब लोग इतना चाहिए महाराज जी के साथ उनका आशीर्वाद एगो मानवता के रूप में उत्तर प्रदेश की मुलाकात एगो ऐसा सशक्त उत्तर प्रदेश बना दिलन हम उनके प्रणाम करब। हमारे इस संसद में हमारे साथी और महाराज जी बालक नाथ जी आज विशिष्ट अतिथि हैं उनका हम स्वागत करब अभिनंदन करब। एमएलसी बनना बहुत सारा साधुवाद उनके मुबारकबाद और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बाड़ा ने योद्धा के पार्टी महाराज जी सम्मान देने ओकरा खातिर बहुत बहुत साधुवाद धर्मेंद्र जी आपके बने और महाराज जी सब लोग हो गए सीमा महोदय के सब लोग के हम धन्यवाद क्या हो सब लोग जिंदगी खंडवा सपा वाले पार्टी कमांड वाले बसपा वाले कांग्रेस वाले जो हेल्थ को लेके कभी देश का प्रदेश का ध्यान ही नहीं दिए महाराज जी जब से आए रेगुलर विधायक जी ने पहले ही बताया कि कितना निशुल्क जांच है कि खाली वर्ग बैठे के बाद हमारे अभी कालीबाड़ी वाले महाराज जी का जांच भाई एकदम जैसे 16 साल वाला शरीर बा उनके कौनों उनके एकदम एक को बीमारी नहीं थी। तो आज ही जांच भाई आप लोगों से भी हम चाहे के महाराज जी के धन्यवाद महाराज जी आप एक नई नई चीज जो लाते हैं नई नई क्रांति लाते हैं और शिक्षा हो वो कानून हो व्यवस्था हो हर तरीके से इस 25 करोड़ की आबादी के लिए निरंतर आप सोचना गोरखपुर के लिए मानवता के लिए सोचना ये बहुत कम लोग सोचते हैं। और महाराज जी के बाद जब समय रहा महाराज जी के जाए करण जैसे मालूम पड़ा कि ये मशीन को लाना है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की आज क्योंकि आने वाला समय यही मशीन है दूसरे प्रदेश इसमें जा रहे हैं या गए हैं नहीं गए महाराज जी ने इसको उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को ये भेंट आज दी। जब भी महाराज जी आते हैं एक बहुत सुंदर भेंट देते हैं इस बार दोबारा उन्होंने हेल्थ को लेकर भेंट दी इंसेफ्लाइटिस के बारे में महाराज जी को ले आप लोग जानते हैं कैसे उन्होंने क्रांति ला के सबको ठीक किया हेल्थ के लिए कोरोना में कैसे हम लोगों को बचा के आगे निकल गए हर तरीके से महाराज जी शिक्षा में आगे लेके जा रहे हैं आयुर्वेदा के लिए विद्यालय लेके जा रहे हैं। तो निरंतर ये सोच महाराज जी को आज इस देश का एक बहुत ही जागरूक मुख्यमंत्री बनाती है और हर तरीके से हर तरह से महाराज जी को मानवता को लेके आज वो पीठाधीश्वर के रूप में एक संत के रूप में एक त्यागी के रूप में समस्त देश में अपना नाम कर रहे हैं इस बात के लिए हम लोगों को बहुत गौरव है और मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी की खड़ाऊ रख के मैं उस जगह पर सेवा कर पा रहा हूँ रोज निरंतर इनसे कुछ सीख रहा हूँ बोला सब माई बहन लोग सब लोग बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी भारत माता की भारत माता जी के इसी को सीने में लगा के रखिएगा सब कल्याण होगा आप लोगों का जय बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिनकी वाणी हमारे लिए कर्तव्य पथ पर चलने की शुभेच्छा है जो हमारे मार्गदर्शक हैं हमारे गुरु हैं कदमी नहीं जिन्होंने गोरखपुर के सभी प्रशासन के अधिकारीगण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए भाइयों बहनों गोरखपुर जनपद को आज यहाँ पर हेल्थ एटीएम की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक का क्या महत्व हो सकता है उसका एक छोटा सा रूप है हेल्थ एटीएम।
इस हेल्थ एटीएम में लगभग 55 प्रकार की जांचें एक जगह हम बैठ करके पूरी कर सकते हैं और वह भी कुछ ही मिनट के अंदर, यानी कुल 3 से लेकर 5 मिनट के अंदर 55 प्रकार से की जांचें करते हुए दूर देश से दुनिया के कहीं भी जिस डॉक्टर के साथ पहले से ही आपने अपॉइंटमेंट लिया हो, अगर उस डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन की सुविधा यानी वीडियो कॉल की सुविधा होगी तो वहां से सीधे उस डॉक्टर के पास वह जांच जाएगी, वहां से वह दवा आदि प्रिस्क्रिप्शन क्या सावधानी आपको बरतनी है लिख करके आपको दे देगा और आप वहां से फिर अपने घर में जाकर के दवाई लेकर के आराम से अपने घर में जाकर के अपने उपचार करा सकते हैं। आपको बहुत दूर जाने की उपचार के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सुविधा हेल्थ एटीएम आपको यहां प्रदान करने जा रहा है। इस सुविधा से खासतौर पर जो एक जनरल बॉडी चेकअप होता है जिसमें पल्स रेट की माप होती है, ब्लड प्रेशर की जाँच होती है, शरीर का तापमान, वजन, बीएमआर आदि चेकिंग की सुविधा तो इसमें है ही। इसमें हार्ट से संबंधित जो पेशेंट होंगे, हृदय रोग से संबंधित पेशेंट होंगे, उनका कार्डियक चेकअप के लिए है, डायबिटीज की जांच के लिए है, हीमोग्लोबिन की जांच के लिए है, यूरिन की जांच के लिए है और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें डेंगू, मलेरिया, एड्स, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट कैंसर आदि की जांच की सुविधा भी इस मशीन से उपलब्ध कराई जा सकती है। ऑर्थराइटिस प्रोफाइल की सुविधा भी ये मशीन उपलब्ध कराती है। प्रेगनेंसी टेस्ट की सुविधा भी यहाँ पे इसके माध्यम से उपलब्ध की जा सकती है। WBC काउंट, HbA1c जांच और टेली कंसल्टेशन, यानी इतनी सुविधाएं एक मशीन एक जगह पे आपको उपलब्ध करवाने की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इस मशीन का ज्यादा लाभ उन क्षेत्रों में होगा जहां पर अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में एक शिकायत हमारे पास आती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक उतना नहीं दे पाते थे, सरकार चाहते हुए भी डॉक्टर की उपलब्धता नहीं थी। शहरी क्षेत्र में डॉक्टर हैं, वह निजी क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाला हो, किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, एम्स से जुड़ा हुआ हो या कहीं भी किसी भी संस्थान से जुड़े हुए डॉक्टर के साथ पहले से ही जिसके साथ हम लोगों ने वीडियो कॉल की सुविधा दी हो वहां से जोड़ करके हम किसी भी पेशेंट को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर सकते हैं और उस दृष्टि हेल्थ एटीएम की शुरुआत चरगावा PSC से हम लोगों ने की है। हमारा प्रयास है, मैं 11 सितंबर को बागपत जनपद में गया था, वहां पर भी हम लोगों ने 5 हेल्थ एटीएम उपलब्ध करवाए, 4 हेल्थ एटीएम वहां भी उपलब्ध करवाए। ये जितने भी हेल्थ एटीएम हम दे रहे हैं ये CSR निधि से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा उसके साथ हो और एक टेक्नीशियन भी हो, लेकिन बाद में इसमें हेल्थ से जुड़े हुए जो पैरामेडिक्स हैं या अन्य ऐसे कर्मी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनकी एक निश्चित ट्रेनिंग करवा करके एक बेहतरीन वाईफाई की सुविधा वहां पर उन ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में देकर के ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सक की सुविधा हेल्थ एटीएम के माध्यम से उपलब्ध करवाने में हमें मदद मिल सकती है और एक हेल्थ एटीएम एक दिन में कम से कम 100 पेशेंट देख सकता है और अगले 3 महीने के अंदर हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक हम हेल्थ एटीएम उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर सके जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध हो जाए। वर्तमान में हम रविवार के दिन प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला हर रविवार के दिन हमारे वरिष्ठ चिकित्सक वहां जाते हैं, वहां पर जाकर के केंद्र और राज्य सरकार की यानी डबल इंजन की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्या कुछ किया है, इन सभी सुविधाओं को वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य भी हम लोग करते हैं। और साथ साथ वहां पर प्रतिदिन मैं देखता हूं कि हर रविवार के दिन 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख पेशेंट आकर के मुख्यमंत्री आरोग्य मेला की सुविधा का लाभ लेते हैं। फ्री दवा भी मिलती है, उनका वहां पे जांच भी होती है, उन्हें फ्री कंसल्टेशन भी मिलता है और स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें वहां पर उपलब्ध होता है। हमें इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतरीन और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य सुविधा जितनी बेहतरीन होगी स्वाभाविक रूप से उतना ही हम लोग मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को कम करने में हमें सफलता प्राप्त होगी, एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हमें मदद मिलेगी। नगरीय क्षेत्रों में शासन स्तर पर भी और पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की उपलब्धता के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी अच्छा सुधार हुआ है। गोरखपुर में ही अगर आप देखेंगे पिछले 5 वर्ष के अंदर पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थिति कितनी खराब थी, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने ही पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कोरोना जैसी महामारी से बचाने में निर्णायक भूमिका का निर्माण किया। सबसे बड़ा कोविड उपचार का केंद्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज बना था, आज वहां पे सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है। सुपर स्पेशलिस्ट वहां पर सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ दे रहे हैं। गोरखपुर में एम्स चालू हो चुका है, एम्स में बेहतरीन सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही है। जिला चिकित्सालय और अन्य हॉस्पिटल्स का भी उन्नयन हुआ है, सुविधाओं को और बेहतरीन करने का प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की सुविधा में हेल्थ एटीएम एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है और जिससे 5 हेल्थ एटीएम पहले चरण में हम लोगों ने गोरखपुर को सीएसआर से उपलब्ध करवाए हैं। मैं इस अवसर पर अलग अलग केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगेंगे और जो सर्विस प्रोवाइडर देने वाली कंपनी होगी उसी से इस बारे में कहेंगे कि हमारे टेक्नीशियन को या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इसमें ट्रेनिंग देकर के ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्रत्येक गांव वासियों को उपलब्ध करवाने के लिए वे अभी से कमर कसे, स्वास्थ्य विभाग भी प्रशासन भी सभी लोग मिलकर के अगर इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर देंगे तो मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र से शिकायत आती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं आते हैं, वहां से इस समस्या का और इस समस्या का समाधान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। सरकार जो कार्यक्रम चलाती है आम जनमानस में उसके प्रति उतनी ही जागरूकता दिखनी भी चाहिए और जागरूकता के लिए आज आवश्यक है कि हम लोग हर एक स्तर पर लोगों को इसके बारे में अच्छी सुविधा देने की बात करें, जागरूक करें। मैं केवल एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, वह है इंसेफ्लाइटिस का, मस्तिष्क ज्वर का। मस्तिष्क ज्वर की जो स्थिति है आपको याद होगा 1977 से लेकर के 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को अगर हम देखें, बच्चे को बीमारी है, बुखार है, उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुंचाने, नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का कार्य करती है। स्वास्थ्य केंद्र में उपचार में कोई कोताही है या कहीं उनको लगता कोई कंफ्यूजन है तो उसे वही एम्बुलेंस ले जाकर के उससे बड़े सेंटर में लेकर के जाएगी और अगर अंततः छान करके वही पेशेंट बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आता है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिसके उपचार की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है उसको यहाँ पर हम सरकारी एम्बुलेंस से लेकर आते हैं और 100% परिणाम हम लोग हर व्यक्ति के जीवन की गारंटी के रूप में वापस वापस दे देते हैं। इसके लिए हमें जागरूकता का कार्यक्रम चलाना पड़ा। वर्ष में 3 बार
संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम चलाने पड़े, स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, टीकाकरण का, ट्रेनिंग का, ये अलग अलग कार्यक्रम चले। स्वच्छ भारत मिशन ने हर घर में शौचालय उपलब्ध करवाए, पुणे में शौच की समस्या का समाधान हुआ। हर घर नल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है। और जो स्वास्थ्य कर्मियों ने बेहतरीन इसमें प्रयास किए हैं, जो सहयोग किया है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक महामारी को पूरी तरह नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज के इस अवसर पर हेल्थ एटीएम की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध होने के बाद गांव का व्यक्ति भी अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के आने वाले समय में जैसे लगेगा, यहाँ के सीएमओ और यहाँ के जिलाधिकारी से मैं कहूंगा कि वह इस सुविधा के लिए अभी से तैयारी करें। हर स्वास्थ्य, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वाईफाई की सुविधा हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, डॉक्टर कौन बैठेंगे, कब कब कौन कौन डॉक्टर बैठेंगे, इसकी सूची तैयार करें। टेली कंसल्टेशन के साथ हर दिन की एक सूची तैयार करें और फिर जैसे पेशेंट गया, 5 मिनट के अंदर 50 से 60 प्रकार की जांचें वो एक साथ करेगा और सभी जांचें फ्री में हो जाएंगी, यानी जिसके लिए हजारों करोड़ हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है, पहले तो आने जाने के किराए के रूप में, दूसरा उन सभी जांचों के लिए जो सुविधा आपने देखा होगा, कालीबाड़ी के मोहन जी के भी जांच करवाई गई, 2 मिनट के अंदर 16 प्रकार की जांचें उनकी हुई है, मात्र 2 मिनट के अंदर। और केवल डॉक्टर ने उनको यही कहा कि बाबा अगर कुछ कम खाएंगे तो और स्वस्थ रह जाएंगे, यानी उनका केवल एक बीमारी आई है कि वह ज्यादा खाने के आदी है, इसलिए खाइए कम तो उसके लिए और स्वस्थ में हो जाएंगे। यह भी मशीन ने बोला, डॉक्टर ने नहीं बोला कि मशीन ने स्वयं इस बारे में कहा है। अब आप देखें, मशीन को उनको पहचान नहीं रही कौन है, मशीन ने तो केवल उनको बिठाया और एक एक जांच उनकी प्रारंभ हुई, और जांच प्रारंभ होने के बाद अंत में मशीन ने जो अपनी पूरी जांच की रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के बाद उसने बता दिया कि ये ज्यादा खाने के आदि है, इसलिए इनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, बाकी इनको बीमारी कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की जांच और इस प्रकार की मशीन आज की आवश्यकता बन गई है। अगले 2-3 महीने के अंदर हम गोरखपुर के हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, अधिकतर प्राथमिक और सामुदायिक केंद्र में हम लोग ये मशीन उपलब्ध करवाएंगे। और ये 5 हेल्थ एटीएम जो यहाँ पर आई है, यहाँ के सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहूंगा कि उतने हेल्थ वर्कर को अभी से हम लोग ट्रेनिंग देना प्रारंभ कर देंगे, ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग देकर के फिर हर एक जगह जाकर के वे अपनी सुविधा का लाभ देना अभी से प्रारंभ कर देंगे, तो हेल्थ एटीएम लगने के साथ ही लोगों के बेहतरीन सुविधा का लाभ मिल पाएगा। मैं एक बार फिर से हेल्थ एटीएम के शुभारंभ के अवसर पर सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से अपनी बधाई देता हूं और पूरे प्रदेश के अंदर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा का लाभ देंगे, इस बात के लिए भी मैं हर एक व्यक्ति को अपने इसके लिए आश्वस्त करता हूँ। मैं इसके साथ ही सभी नागरिकों से कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है और राज्य सरकार ने भी बचे हुए लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया है, वे अपना आयुष्मान भारत का कार्ड जरूर बनाए। गोल्डन कार्ड हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हर केंद्र में बन रहे हैं, फ्री का कार्ड है, अगर आप उसका उपचार में उपयोग कर भी देंगे फिर उसको 1 साल के बाद फिर नया कार्ड आपका बन जाए, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि पैसे के भाव में व्यक्ति बाद में भटकता रहे, बाद में तमाम प्रकार की शिकायतें करें, अच्छा होगा ये कार्ड हम बना लें, उस बेहतरीन सुविधा का लाभ ले लें। बहुत सारी सुविधाओं का लाभ आज प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है, जिसमें हम लोग अभी डायलिसिस की सुविधा भी जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध करवा रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 63-64 जनपदों में सुविधा दे चुके हैं, शेष जनपदों में भी हम इस सुविधा को बहुत शीघ्र लागू करने जा रहे हैं, जिससे डायलिसिस की सुविधा का लाभ भी फ्री में लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में
उपलब्ध हो सके। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नरेंद्र सिंह जी हैं, इन सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अंतिम पंक्तियों के रूप में मैं सर्व ये सर आपकी कान से लग रहा है कैमरा, कैमरा लग रहा है आपको देख के दूसरा भी आ रहा है सर। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। अब गांव में भी आपको लगभग 60 तरह की जांचें हॉस्पिटल पे उपलब्ध होंगी। देखिए, हेल्थ एटीएम का आज यहाँ पर शुरुआत हमारे गोरखपुर के चरगावा पीएचसी से हो रहा है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि गोरखपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। ये हेल्थ एटीएम मशीन गांव में जो हमारा अन्नदाता किसान रहता है उसके लिए वरदान साबित होगी। वो इस मशीन पर जाकर के वहाँ टेक्नीशियन रहेंगे, उनकी जांच 3 मिनट के अंदर वो पूरी होगी और निःशुल्क है ये जांच। सबसे बड़ी बात है कि निःशुल्क है और जांच करने के बाद उनको पता चलेगा कि उनके शरीर में क्या कमियाँ, उनके अनुसार वो अपना इलाज भी करा सकते हैं और इस हेल्थ एटीएम मशीन के द्वारा जांच करा करके वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और मैं कहूँगा कि जब स्वस्थ रहेंगे तभी अपना देश स्वस्थ रहेगा। मैं एक बार पुनः अपने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जी मैंने चेकअप किया है, बहुत सरल चेकअप है, 3 मिनट के अंदर हमारे चेकअप हो गए हैं और तुरंत इसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। देखिए, इसको हेल्थ एटीएम न कह करके इसे जो है विज्ञान का चमत्कार कहिए या विज्ञान का वरदान कहिए, जिसको जो है जहाँ चिकित्सक और हमारे लैब टेक्नीशियन जो जांचें करते थे वो जांचें ये मशीनें हमारी करेंगी। तो इसके द्वारा जो है हम जो है जहाँ कहीं पर भी 16 जो है बिना रक्त की जांच और 40 जांचें जो है लगभग रक्त से कर सकते हैं और इसके द्वारा हम टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, दूरस्थ बैठे चिकित्सक को अपनी ECG दिखा सकते हैं, अपने हृदय की धड़कन सुना सकते हैं, अपने कान की जांच करा सकते हैं। जो शरीर की जितनी भी हमारी हृदय रोग है, लीवर का रोग है, संक्रामक रोग है, एड्स है, मलेरिया है, इन सभी लोगों में सभी में हमारी ये गंभीर बीमारियों में ये काम कर सकती है। हमारे पास 5 मशीनें भी आ गई हैं, अभी और आगे मशीन आने की संभावना है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा सीएम योगी ही कराएंगे मथुरा व काशी का पुनरुद्धार। उनकी इच्छा है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर और काशी में भगवान शिव के मंदिर का नवोत्थान शुरू हो, तभी वह वासुदेव नंद सरस्वती करे अपने शरीर का परित्याग।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार। 300 से अधिक फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजचंद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आठवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह में गोरक्षपीठ अधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समस्याओं से पलायन न करने का ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ ने आदर्श किया स्थापित। समस्याओं से पलायन करने वाले खो देते हैं जन विश्वास। सनातन धर्म की महत्वपूर्ण कड़ी है गोरक्षपीठ की परम्परा। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में नकल कराने वाले संगठित सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गीडा थाने के पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। एक कूटरचित आधार कार्ड, फर्जी कूटरचित प्रवेश पत्र, 2 मोटरसाइकिल सहित अन्य सामग्री किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर के पहले हेल्थ एजीएम सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। कहा, 3 माह में प्रदेश के 4600 स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी हेल्थ एजीएम की सुविधा। 3 से 5 मिनट में ही हो जाएगी 59 जांचें। खोराबाड़ थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त अशफाक अहमद, तनवीर खान, शमशेर आलम उर्फ गोपी व विवेक मद्देशिया की 5 मोटरसाइकिल, 1 चारपहिया वाहन को किया कुर्क। थाने में दाखिल कर की जा रही है आगे की कार्यवाही। महिलाओं की सेहत के लिए ला रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, विपक्ष करे सहयोग। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर कानून को ना ले अपने हाथों में, तुरंत दे पुलिस को सूचना। कानून हाथ में लेने वाले नागरिकों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। और जनपद में लगातार हो रही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली निजात। जिला आपदा विशेषज्ञ ने बताया, जनपद में 34 मिलीमीटर हुई है बारिश। अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में रहेगा बदलाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसएसपी के निर्देश पर खोराबाड़ थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्तों की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि खोराबाड़ थाने की पुलिस ने अशफाक अहमद पुत्र असागर अली निवासी नकहा नंबर 2 घोशीपुरवा थाना चिलवा ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा तनवीर खान पुत्र वशीउल्लाह खान निवासी हुमायूंपुर उत्तरी शहीदाबाद थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, तीसरा शमशेर आलम उर्फ गोपी पुत्र शमीर अहमद निवासी चकसा हुसैन मिर्जापुर पचपिड़वा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, चौथा विवेक मद्देशिया पुत्र अशोक कुमार निवासी मकान नंबर 101 सोनौली रोड थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर के संपत्ति को कुर्क किया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों के 5 से 5 मोटरसाइकिल, 1 स्विफ्ट डिजायर कार जिनकी कुल कीमत 3,25,000 है जब्त किया गया है। सभी वाहनों को खोराबाड़ थाने पर लाकर दाखिल कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन के अनुसार आज थाना खोराबाड़ पुलिस ने 14A की गैंगस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई की है, जिसमें 3.25 लाख रुपए के आसपास के मूल्य की 6 गाड़ियां, जिसमें से 1 स्विफ्ट वीडीआई एवं 5 टू व्हीलर को जब्त किया गया है। यह मुकदमा कैंट थाना पर पंजीकृत हुआ था 147/2021, जो कि फर्जी शस्त्र लाइसेंस, जिसमें रिवॉल्वर, पिस्टल एवं डबल बैरल, इसके फर्जी लाइसेंस बनाए गए थे 2019 में। 2021 में यह मुकदमा पंजीकृत हुआ था एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई आज की गई है एवं अन्य भी प्रॉपर्टी इन अपराधियों की खंगाली जा रही है एवं आगे भी इस तरह की जब्ती कर की कार्रवाई इस मुकदमे में की जाएगी। सदर सांसद रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण बिल पर कहा कि यह बिल महिलाओं की सेहत के लिए लाई जा रही है, क्योंकि ज्यादा बच्चा होने से महिलाओं की सेहत खराब होती है और बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। उनको अच्छी मेडिकल व्यवस्था, पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, जिसको लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाया जा रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि विपक्ष भी मेरा सहयोग करे। जब भी बिल लाने की बात की जाती है तो विपक्ष सदन में हंगामा कर सदन को बंद करवा देता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा, आपने जनसंख्या बिल पे किया क्या? महिलाओं की सेहत के लिए
ज़्यादा बच्चे होने से सेहत महिलाओं की माता बहनों की ख़राब होती है और बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, तो उनको अच्छी मेडिकल व्यवस्था रहे, पढ़ाई रहे, इसीलिए जनसंख्या कानून बिल हम ला रहे हैं ताकि हमारी जनसंख्या कंट्रोल रहे महिलाओं का, महिलाओं की सेहत के लिए, और बहुत सोच समझ के बिल ला रहे हैं। मैं चाहूँगा विपक्ष मेरे साथ चर्चा करे, मैं पूरी तैयारी किया हूँ कि मैं क्यों ये बिल ला रहा हूँ। जनपद में बच्चा चोरी की अफवाह पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बच्चा चोरी की घटनाओं की सत्यता की जांच किए बिना किसी के बहकावे में ना आए और ना ही कानून को अपने हाथों में ले। सबसे पहले पुलिस को सूचना दे, पुलिस मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई करेगी, इसलिए कोई भी नागरिक कानून अपने हाथों में ना ले। उन्होंने बताया कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि बच्चा चोरी की घटनाओं की सत्यता की जांच किए बिना कोई बहकावे में ना आए, कानून अपने हाथ में ना लें। सबसे पहले पुलिस को सूचना दें और पुलिस के पहुँचने के बाद ही उस पर पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, आप स्वयं उसमें कोई कानून हाथ में लेके मार पिटाई वगैरह ना करें। जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी, ये डीजीपी महोदय की तरफ से निर्देश है कि एनएसए से लेकर के और सभी हर तरह की कार्रवाई जो भी संभव है वो होगी। थाने चौकी पर दिशा निर्देश भी है, जागरूकता के लिए लोगों को अपील भी कर रहे हैं, समझा रहे जी। थाने और चौकियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपने स्तर से जागरूकता फैलाएं, लोगों को ये संदेश दें। जनपद में लगातार हो रही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिला है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में 34 मिलीमीटर बारिश हुई है तथा मौसम विभाग द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है इसके अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में बदलाव रहेगा तथा कुछ जगह पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बुधवार को ही बारिश से कहीं पर किसी प्रकार की जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा सभी तहसीलों पर अवगत करा दिया गया है कि कहीं से जनहानि की या पशुहानि की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी अगले 3-4 दिनों तक मौसम परिवर्तित रहेगा, कुछ जगहों पे अधिक बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है, वज्रपात की घटनाओं की भी संभावना व्यक्त की गई है, तो अगले कुछ दिनों तक मौसम जो रहेगा वो इसी प्रकार बना रहेगा। सर आज बारिश हुई है, कहीं जनहानि की सूचना? नहीं, अभी तो कहीं कोई जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और सभी तहसीलों को अवगत करा दिया गया है। अगर कहीं से कोई जनहानि या किसी प्रकार की पशुहानि की कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सर सुबह जो बारिश हुई कितनी मिली हुई? देखिए अभी तहसीलों से जो रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुई है उसके अनुसार एवरेज रेनफॉल तो हमारे वहाँ तकरीबन 34 के आसपास की है, लेकिन हर तहसीलवार भी उसका मतलब सर्वे किया जा रहा है और अभी तो जो दिन भर की जो रेनफॉल मिला है वो 34 मिलीमीटर की है। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा, सीएम योगी ही कराएंगे मथुरा व काशी का पुनरुद्धार। उनकी इच्छा है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर और काशी में भगवान शिव के मंदिर का नवोत्थान शुरू हो, तभी वह वासुदेव नंद सरस्वती करे अपने शरीर का परित्याग।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार। 300 से अधिक फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आठवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह में गोरक्षपीठ अधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समस्याओं से पलायन न करने का ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ ने आदर्श किया स्थापित। समस्याओं से पलायन करने वाले खो देते हैं जन विश्वास। सनातन धर्म की महत्वपूर्ण कड़ी है गोरक्षपीठ की परम्परा। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में नकल कराने वाले संगठित सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गीडा थाने के पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। एक कूट रचित आधार कार्ड, फर्जी कूट रचित प्रवेश पत्र, 2 मोटरसाइकिल सहित अन्य सामग्री किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। गोरखपुर के पहले हेल्थ एजीएम सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। कहा, 3 माह में प्रदेश के 4600 स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी हेल्थ एजीएम की सुविधा। 3 से 5 मिनट में ही हो जाएगी 59 जांचे। खोराबार थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त अशफाक अहमद, तनवीर खान, शमशेर आलम उर्फ गोपी व विवेक मद्देशिया की 5 मोटरसाइकिल, 1 चारपहिया वाहन को किया कुर्क। थाने में दाखिल कर की जा रही है आगे की कार्यवाही। महिलाओं की सेहत के लिए ला रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, विपक्ष करे सहयोग। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर कानून को ना ले अपने हाथों में, तुरंत दे पुलिस को सूचना। कानून हाथ में लेने वाले नागरिकों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। और जनपद में लगातार हो रही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली निजात। जिला आपदा विशेषज्ञ ने बताया, जनपद में 34 मिलीमीटर हुई है बारिश। अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में रहेगा बदलाव। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।